बहुत सारे लोग परेशान हैं, वो इतने ज़्यादा चीज़ें खाते हैं, इतनी सारी चीज़ें कंज्यूम करते हैं, पर उनकी बॉडी पर, उनके शरीर पर लगता ही नहीं है। तो गाइस, इस वाली वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि खाया पिया शरीर को नहीं लग रहा है, बहुत सारे पैसे भी खर्च कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें भी ट्राई कर रहे हैं, इवन बहुत सारे लोग सप्लीमेंट्स भी लेने लग जाते हैं, पर फिर भी उनके शरीर को लगता ही नहीं है, वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो गाइस, इस वाली वीडियो के अंदर मैं आपको 4-5 ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूँ, अगर आपने ये पॉइंट्स फॉलो कर लिए तो आपको खाया पिया शरीर को लगने लग जाएगा, आपका वेट गेन होने लग जाएगा, आपकी मसल गेन होने लग जाएंगी। तो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और जो भी लोग आपकी मजाक बना रहे हैं, चाहे आप एक लड़के हो या लड़की हो, उन लोगों की मजाक भी बनती है कहीं ना कहीं जब वो जाते हैं, और काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी कम हो जाता है, और जब कॉन्फिडेंस कम हो जाता है तो बहुत ज़्यादा लाइफ ख़राब होने लगती है। तो आपकी मजाक नहीं बनेगी, सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो बिल्कुल दूर हो जाएंगी धीरे धीरे, अगर आपने ये पॉइंट्स फॉलो कर लिए। तो गाइस, चैनल पर नए हो तो गाइस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पर एक लाइक जरूर से जरूर कर दें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जितने भी जो पतले लोग होते हैं, जिनकी शरीर पर खाया पिया बिल्कुल भी नहीं लगता है, तो वो होते हैं एक्टोमॉर्फ लोग। एक्टोमॉर्फ लोग वो होते हैं जो बहुत ज़्यादा स्किनी होते हैं, बहुत ज़्यादा पतले होते हैं, उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है बहुत ज़्यादा पतला होता है, और वो उनके शरीर पर खाया पिया बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो आइए बात कर लेते हैं कि किस तरीके से खाया पिया उनकी बॉडी को लगेगा। नंबर वन, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल ठीक नहीं रहता है। बहुत सारे लोगों का डाइजेशन में प्रॉब्लम रहती है, वो कोई भी चीज़ खाते हैं तो कभी कभी उनके पेट में दर्द होने लगता है, या फिर उनको ठीक से पच नहीं पाता है। तो बहुत सारे चूर्ण, बहुत सारी दवाइयाँ खाते हैं, इवन डॉक्टर के पास भी चले जाते हैं, फिर भी उनकी जो प्रॉब्लम होती है वो दूर नहीं हो पाती है। आपको अपना डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रखना है। अगर आपका डाइजेशन ठीक रहेगा, जो भी आप खाना खा रहे हो वो चबा चबा कर खाओगे, और साथ ही साथ आप जो है ऐसी चीज़ें कंज्यूम करोगे जो आपकी गट हेल्थ के लिए अच्छी होती है, हमारे डाइजेशन के लिए अच्छी होती है। जैसे दही आपको कंज्यूम करना है, आप सैलड वगैरह कंज्यूम करें, आप क्या करें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीने की कोशिश करें। मतलब अगर आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा पियोगे, आप दही वगैरह कंज्यूम करोगे क्योंकि इसके अंदर प्रोबायोटिक्स होते हैं, आप सैलड वगैरह कंज्यूम करोगे तो इससे आपका डाइजेशन इंप्रूव होता है, अच्छा होता है। और साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, जीरा वगैरह अपनी डाइट के अंदर ऐड कर सकते हैं, या फिर जीरे का जो वाटर होता है वो अपनी डाइट में ले सकते हैं। मतलब जब खाली पेट सुबह को ले सकते हैं, या फिर रात को सोने से पहले जीरा वाटर कंज्यूम कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें करेंगे तो धीरे धीरे आपका डाइजेशन अच्छा होने लग जाएगा। और जो भी खाना खा रहे हैं आप चबा चबा कर खाएं, तेजी तेजी में बहुत सारे लोग खाना खाते हैं, और होता क्या है कि हमारे डाइजेशन पर बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब होने लगता है, और साथ ही साथ हमारा खाया पिया शरीर को नहीं लगता है। तो ये गलती आपने बिल्कुल भी नहीं करनी है। बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। आपको कोशिश करना है कि हेल्दी खाना ही खाना है। बहुत सारे लोग अनहेल्दी फूड खाते हैं, जंक फूड खाते हैं। तो आप खुद सोच सकते हैं कि अगर आप जंक फूड खाएंगे, फास्ट फूड खाएंगे जिसमें मैदा बहुत ज़्यादा होती है, शुगर बहुत ज़्यादा होती है, या फिर तेल बहुत ज़्यादा होता है, और डर्टी ऑयल्स होते हैं, बहुत सारे केमिकल्स भी होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स भी उसके अंदर पड़े हुए होते हैं, तो आप खुद सोच सकते हैं कि खाया पिया आपके शरीर को कैसे लगेगा, और आपकी इंटरनल हेल्थ का क्या होगा, और साथ ही साथ आपके डाइजेशन का क्या हाल होगा। तो आप कोशिश करें कि हेल्दी खाना खाएं। अगर आप फास्ट फूड खा रहे हैं तो इस तरीके से फॉलो कर सकते हैं, करीब 80% आपको हेल्दी डाइट लेनी है। अगर 10% थोड़ा इंजॉयमेंट करना है, बाहर घूमने के लिए जा रहे हैं दोस्तों के साथ, कॉलेज में जाते हैं, स्कूल जाते हैं, या कहीं पर भी जाते हैं आप, तो 10% या 15% 20% थोड़ा बहुत चल सकता है। पर आप पूरा करीब 80% या 100% अनहेल्दी फूड खा रहे हो, जंक फूड खा रहे हो, ऑयली खा रहे हो जिसमें मैदा बहुत ज़्यादा है, शुगर बहुत ज़्यादा है, तो वो हमारी हेल्थ को ख़राब करेगा, आपके डाइजेशन को ख़राब करेगा, और खाया भी आपके शरीर में कभी भी नहीं लग पाएगा। दोस्तों, आपको ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी ही रखनी है। बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। बहुत सारे जब स्किनी लोग होते हैं तो कैलरीज सरप्लस में नहीं रह पाते हैं, मतलब कैलरीज को ज़्यादा नहीं खा पाते हैं। अब आप मान लीजिए कि आपका वेट 50 kg है, 55 है, 60 है, जितना भी आपका वेट है, तो कोशिश करना है कि जितना भी आपका बॉडी वेट है, जितनी भी मेंटेनेंस कैलरीज निकल के आई आ रही हैं, आपकी गूगल पर जाओगे, मेंटेनेंस कैलरीज आप निकालोगे, 2000-2500 जितनी भी कैलरीज आ रही हैं, तो उससे करीब 300-500 कैलरीज बढ़ाकर खाना होंगी, और वो कैलरीज आपकी हेल्दी फूड से आनी चाहिए। जैसे आप एलमंड ऐड कर सकते हैं, कैश्यूज, पीनट बटर, आप जो है डेट्स, खजूर वगैरह ऐड कर सकते हैं, और हनी वगैरह ऐड कर सकते हैं। ऐसी चीज़ें खाओगे आप तो उसमें आपको भरपूर न्यूट्रिशन भी मिलेगा, और साथ ही साथ आपका वेट गेन भी होने लग जाएगा। तो कैलरीज जो है सरप्लस में आपको रहना है, वेट गेन होने का आपके जो है बहुत आसान तरीका यही है। और कोशिश ये करें कि एक्सरसाइज करें, वर्कआउट करें। अगर आप एक्सरसाइज करोगे, वर्कआउट करोगे, तो जिससे आपकी भूख भी खुलेगी और साथ ही साथ खाया भी आपके शरीर को लगने लग जाएगा। क्योंकि हम जिम में जाते हैं, वर्कआउट करते हैं, मसल्स तोड़ते हैं, और जब मसल्स टूटते हैं तो हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है, प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है, अच्छे वाले कार्बोहाइड्रेट्स की, गुड फैट की, सभी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो जब हम सारी चीज़ें खाते हैं तो हमारे शरीर को लगने लग जाएगा। बहुत सारे लोग परेशान हैं, बहुत ज़्यादा ही चीज़ें ट्राई कर रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है। अगर आप सप्लीमेंट भी ले रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर सप्लीमेंट तभी काम करेगा अगर आप अच्छी डाइट ले रहे हो, अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो, प्रॉपर स्लीप ले रहे हो, 7-8 घंटे तक नींद ले रहे हो, और सभी चीज़ें आपकी ऑन पॉइंट चल रही हैं। तो ये चीज़ें आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आपने फॉलो कर ली
तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो, वीडियो पर एक लाइक जरूर से ज़रूर कर दें और दो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। इंस्टाग्राम पर कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो तो भेज दीजिए इस कैकिंग हेल्थ नाम से। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर।